रूप में भी भोलेनाथ जी को भजो, उसी रूप में भोलेनाथ जी निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ कर सपरिवार आप
कथा के लिए आए, कीर्तन के लिए आए और अपने जीवन को जो है वो सफल बनाए। तो मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में हमारी जो माताएँ बहनाएँ सभी लोग आते हैं, भाई आते हैं, तो इसलिए यहाँ आकर कथा का लाभ लें, अपने जीवन का उद्धार करें। और ये जो कथा वाचिका आई है वो बहुत सुंदर ढंग से श्री रामचंद्र जी की व्याख्या कर रही है और मेरा ख्याल इनकी कथा का संपूर्ण कुंजवासियों को लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद। कुंजवासियों से ये निवेदन है कि सनातन धर्म सभा की ओर से ये जो हर वर्ष प्रयास रहता है, यहाँ पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले नवरात्रि से जो रामचरितमानस का जो पाठ रहता है, तो मेरा सभी पुंछवासियों से ये निवेदन है कि सनातन धर्म सभा द्वारा ये जो प्रयास किया गया है आज से जो है कथावाचक और उनकी जो टीम आई है उसका आकर के आनंद लें, अपने जीवन को सफल बनाएं और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल करें। धन्यवाद। जैसे कि अभी आदरणीय क्षेत्रपाल जी और संजय राणा जी ने आपको बता दिया है कि यहाँ सनातन धर्म सभा के अंदर एक रामचरितमानस जी का जो करवाने के लिए पंजाब से प्रियंका बाबा जी आई हुई है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारी माताएँ, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और ये मानता है कि इस कथा को श्रवण करने से सभी दुख दूर होते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। और इसके बाद यहाँ पे रामनवमी के अवसर पर एक बहुत विशाल शोभा यात्रा जाएगी जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु और शोभा यात्रा के साथ जाएंगे राम जी के जयकारे लगाते हुए। मैं समस्त विश्वासियों से आग्रह करता हूँ कृपा करके वो रोज शाम को 4:30 से 6:30 बजे यहाँ पे आए, यहाँ पर श्री राम जी की कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को उत्साह करें। धन्यवाद।